नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे जल्दी दाढ़ी बढ़ाने के आसान और घरेलू तरीकों के बारे में। जी हां दोस्तों, जल्दी दाढ़ी बढ़ाने के आसान एवं घरेलू तरीके। दाढ़ी सिर्फ मर्द की खूबसूरती को ही नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी को भी निखारने में अहम रोल निभाता है दोस्तों। जवान होते ही लड़के अपनी दाढ़ी को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रेज दिखाते हैं। कईयों को लंबी दाढ़ी मूछें रखने का शौक़ होता है। वैसे इन दिनों भी लंबी और घनी दाढ़ी का अच्छा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि कईयों की दाढ़ी जल्दी बढ़ती नहीं है। ऐसे में वह तरह तरह के उपायों को अपनाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि दाढ़ी के बालों के ठीक विकास के लिए घर में ही कई उपाय मौजूद होते हैं दोस्तों। अगर आप भी जल्दी दाढ़ी बढ़ाने के इच्छुक हैं तो इन घरेलू उपायों से आप अपनी दाढ़ी को आकर्षक बना सकते हैं। दाढ़ी बढ़ाने का तरीका नंबर वन, आंवले का तेल। जी हाँ दोस्तों, दाढ़ी बढ़ाने के लिए आंवले के तेल का सबसे उत्तम उपयोग होता है दोस्तों। आंवले के तेल से रोज़ अपने चेहरे की 20 मिनट तक मसाज करें और फिर उसे ठंडे पानी से धो लें। आंवले के तेल में सरसों की पत्तियां मिलाकर पेस्ट बनाकर दाढ़ी वाले हिस्से पर 20 मिनट के लिए लगाएं। ऐसा सप्ताह में 3 से 4 बार करने से आप घनी दाढ़ी पा सकते हैं दोस्तों। नंबर टू, नारियल का तेल। करी पत्तों को नारियल के तेल में डालकर उबाल लें। जब यह ठंडा हो जाए तो अपनी दाढ़ी की मालिश करें। शेव करने से पहले हमेशा गुनगुने पानी में थोड़ा सा नारियल तेल डालकर चेहरे को अच्छी तरह धो लें। आपकी दाढ़ी घनी हो जाएगी और जल्दी बढ़ जाएगी दोस्तों। नंबर थर्ड, दालचीनी और नींबू। दालचीनी के पाउडर में नींबू का रस मिलाकर उसका पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर ठंडे पानी से चेहरे को धोएं और सूती कपड़े से चेहरे को पोंछें। अगर आपकी त्वचा को नींबू से एलर्जी हो तो इसका प्रयोग ना करें, इससे आपकी त्वचा में जलन पैदा हो सकती है। अन्यथा अच्छे परिणाम के लिए सप्ताह में 2 बार इसका प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। यूकेलिप्टस तेल। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 है यूकेलिप्टस तेल। मेहंदी के तेल की तरह चेहरे के बालों की बढ़त के लिए यूकेलिप्टस तेल भी बहुत उपयोगी होता है। हालांकि सीधे तौर पर चेहरे पर लगाने से खुजली की समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे सीधे तौर पर चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर खुजली की समस्या हो सकती है, इसीलिए इसे जैतून या तिल के तेल में मिलाकर लगाना चाहिए। नंबर 5, संतुलित भोजन। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा प्रोटीन वाले भोजन का सेवन, तनाव न लेना और ज़्यादा सोना दाढ़ी को तेज़ी से बढ़ाने में मदद कर सकता है। प्रोटीन शरीर को ऐसे पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराता है जो ज़्यादा बालों को उगाता है, और सोना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी समय पौष्टिक तत्व अपना काम करते हैं। साथ ही दिन में 8 ग्लास पानी पीने से भी घने और स्वस्थ बालों के विकास में मदद मिलेगी। बालों को झड़ने से रोकने के लिए जहाँ तक हो सके तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें दोस्तों। नंबर 6, विटामिन लें। अपने आहार और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन बी को शामिल करें। विटामिन बी, B6 और B12 भी बालों को जल्दी बढ़ाने में मदद करता है दोस्तों। साथ ही रोज़ बायोटीन का सेवन करें। नंबर 7, बालों को बढ़ने दें। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में दाढ़ी के बाल अपूर्ण और ख़राब से दिखते हैं। जैसे ही बाल बड़े होंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे फॉलिकल्स को खुद के बालों को विकसित करने का समय मिल जाएगा। ऐसे में बालों के बीच दिखने वाले खाली स्थान अपने आप छिप जाया करेंगे, इसीलिए धैर्य रखें और अपनी दाढ़ी को बढ़ने दें, पूरी तरह से विकसित होने दें। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि आप किस प्रकार से घरेलू नुस्खों के द्वारा अपनी दाढ़ी को घनी और बड़ी यानी कि बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं दोस्तों जल्दी, वो भी ठीक इसी प्रकार से। अगली कड़ी में हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।